स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 8 इंग्लिश प्रैक्टिस के चैप्टर 3 मॉडल्स का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने इंग्लिश लिटरेचर पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर एडवर्टाइजमेंट में कुछ वीडियो दे दे रहा हूँ, तो पहले आप लोग इंग्लिश लिटरेचर के वीडियोज़ को भी जरूर चेक कर लीजिएगा। ओके, तो आज मैं आप लोगों को मॉडल्स के वर्कशीट 1 और सारे वर्कशीट का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। वर्कशीट 1 में हम लोगों को कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, हम लोगों को पढ़ना है। द टीम हैज़ टू विन दिस क्वालिफाइंग मैच टू बी एबल टू प्ले इन द वर्ल्ड कप। सेकेंड, दे हैव टू पास द एंट्रेंस एग्जाम फॉर गेटिंग एडमिशन इन द कॉलेज। तो वर्कशीट 1 में हम लोगों को कुछ भी नहीं करना, मेन हम लोगों को वर्कशीट 2 का है। ठीक है, तो वर्कशीट 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। वर्कशीट 2, डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड राइट अ फ्यू थिंग्स दैट द स्टूडेंट्स हैव टू डू इन द स्कूल। मतलब कि हमें अपने पार्टनर के साथ डिस्कशन करना है और कुछ चीज़ों को लिखना है जो कि हम लोग स्कूल में करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला, स्टूडेंट्स हैव टू ब्रिंग हिज ऑन बुक इन स्कूल। सभी स्टूडेंट्स को अपनी अपनी बुक लाने होंगे स्कूल में, ये एक काम है, सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक लाएँ। सेकेंड, स्टूडेंट्स हैव टू कीप साइलेंस इन क्लास। स्टूडेंट्स को शांति बना के रखनी होगी क्लास में, शांति बना के रखनी चाहिए। ठीक है, हल्ला शोर नहीं करना चाहिए। थर्ड, स्टूडेंट हैव टू गो आउटसाइड विथ पास। स्टूडेंट्स को पास लेकर के बाहर जाना चाहिए क्लासरूम से, जैसे कभी भी। फोर्थ, स्टूडेंट हैव टू कम स्कूल इन यूनिफॉर्म। सभी स्टूडेंट्स को स्कूल आना चाहिए, तो कैसे आना चाहिए, यूनिफॉर्म को पहन के आना चाहिए। आउटसाइड यूनिफॉर्म कोई नहीं पहन के आए, ओके, स्कूल यूनिफॉर्म सभी पहन के आए, एक ही सभी स्टूडेंट्स एक टाइप के लगने चाहिए। ठीक है, सभी एक ही स्कूल के बच्चे हैं, ऐसा लगना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना चाहिए स्कूल में। स्टूडेंट्स हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन इन क्लास और स्कूल। देख लीजिए स्टूडेंट्स, आप लोगों में फिर से दिखा दे रहा हूँ। स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आप प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस को लाता रहता हूँ। चलिए नेक्स्ट, स्टूडेंट हैव टू ऑबे देयर टीचर्स। स्टूडेंट्स को, सभी स्टूडेंट्स को अपने टीचर्स की इज्जत करना चाहिए। ठीक है, आदर करना चाहिए। स्टूडेंट्स हैव टू यूज डस्टबिन। सभी स्टूडेंट्स को डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए, इधर उधर कचरा नहीं फेंकना चाहिए, जैसे पेपर हो गया, सब हम लोग इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। पेंसिल साफ करने के बाद में डस्टबिन में डालना चाहिए, ये प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वाला आप लोग अपने लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग वर्कशीट 3 देखते हैं। वर्कशीट 3 में भी कुछ नहीं है। रीड द फॉलोइंग। प्रिंसिपल, मिस्टर जैन, यू हैव टू कम अकंपनी टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 टू अ क्विज कॉम्पिटिशन इन एक्स वाई जेड पब्लिक स्कूल। यू मस्ट रीच द वेन्यू एट 8 AM। ऑल द पार्टिसिपेंट्स हैव टू वियर अ वाइट यूनिफॉर्म एंड रेड बैजेस। ठीक है, मॉडल्स चैप्टर है। ओके, तो मॉडल्स के बारे में हम लोग जानेंगे, मॉडल्स क्या है। वर्कशीट 4 देखते हैं। वर्कशीट में वैसे कोई खास नहीं था। तो वर्कशीट 4, फिल इन द ब्लैंक्स इज मस्ट हैव टू। इन सम केसेस इट इज पॉसिबल टू यूज आइदर ऑफ देम। देखिए, मस्ट और हैव टू को यूज करना है। ठीक है, कुछ केसेस में क्या है कि दोनों में किसी एक को भी यूज किया जा सकता है। जैसे पहला, यू मस्ट पार्टिसिपेट इन दिस ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन। आई एम श्योर यू विल विन। तुम्हें इस ड्राइंग कंपटीशन में जरूर भाग लेना चाहिए। मैं जानता हूँ, मैं श्योर हूँ कि तुम इस ड्राइंग कंपटीशन को जरूर जीतोगे। मस्ट श्योर है तो मस्ट। ठीक है, मैं श्योर हूँ, तुम्हें पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। सेकंड, माय बस स्टॉप इज़ अ हाफ किलोमीटर अवे फ्रॉम माय हाउस। सो आई हैव वॉक डाउन टू द स्टॉप डेली। स्टूडेंट्स, यहाँ 2 छूट दिया है, मैंने ध्यान नहीं दिया, 2 छूट दिया है। ओके, यहाँ 2 लिख लीजिएगा आप लोग। सो आई हैव टू। थर्ड, यू हैव टू गेट परमिशन लेटर फ्रॉम योर पेरेंट्स इफ यू वांट टू गो द स्कूल पिकनिक दैट द हेडमास्टर ऑर्डर। यदि तुम पिकनिक में जाना चाहते हो तो तुम्हें अपने पेरेंट्स से परमिशन लेटर लेना पड़ेगा। ये हेडमास्टर का ऑर्डर है, प्रिंसिपल का ऑर्डर है।
देख लीजिए स्टूडेंट्स, पहला में मर्ज, सेकेंड में हैव टू, थर्ड में भी हैव टू, फिर फोर्थ में मस्ट। देखिए, ही मस्ट गेट हिज पासपोर्ट मेड एट अर्लीस्ट इफ यू वॉन्ट टू ट्रेवल अबोर्ड एब्रॉड। स्टूडेंट्स, आप लोग इंग्लिश लिटरेचर के वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, मैंने हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन वीडियो बनाया हुआ है, और मैंने अदर सब्जेक्ट के बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो किसी वीडियो के लिए चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। फिफ्थ, आई कैन नॉट गो आउटसाइड फॉर साइकिलिंग टूडे, आई हैव टू कम्प्लीट माई होमवर्क। मैं आज साइकिलिंग करने के लिए, मैं साइकिल चलाने के लिए बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे होमवर्क को कंप्लीट करना है। इसमें सोशल साइंस की वीडियो भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, सेपरेट पेज बना हुआ है। और यहाँ पर थ्री है, गर्ल्स डैश नॉट वेयर फैंसी पीसेस ऑफ ज्वेलरी टू माई क्लास, आई वार्निंग। गर्ल्स मस्ट नॉट, गर्ल्स को फैंसी पीसेस ऑफ ज्वेलरी क्लास में नहीं पहन के आना है, मेरे क्लास में पहन करके नहीं आना है, मैं तुम लोगों को वार्निंग करता हूँ, वार्निंग देता हूँ। सेवेंथ, सरिता सिंग्स रियली वेल, सी मस्ट लर्न क्लासिकल म्यूजिक टू होन हर स्किल फर्दर, मस्ट। एंड लास्ट, ऑल द कैडेट्स इन NDA हैव टू अंडरगो अ रिगरस ट्रेनिंग, they must learn horse riding, swimming, shooting and many and more such activities. स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए वर्कशीट 5 देखते हैं। वर्कशीट 5 में ऐसा कुछ नहीं है, फॉलोइंग कंजर्वेशन को रीड करना है, ओके, तो मैं सीधा आप लोगों को वर्कशीट 6 दिखाऊंगा। वर्कशीट 6, इन द यूनिट चेंजिंग टाइम्स ऑफ माई इंग्लिश रीडर यू हैव रीड अबाउट द कॉमन कंप्लेंट्स ऑफ पेरेंट्स अगेंस्ट टीनेजर, बेस्ड ऑन योर रीडिंग प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ फ्यू थिंग्स दैट पेरेंट्स फील टीनेजर शुड डू। चेंजिंग टाइम्स करके एक चैप्टर है माई इंग्लिश रीडर में, आपके इंग्लिश रीडर बुक में एक चेंजिंग टाइम्स करके चैप्टर है, ठीक है, उसमें टीनेजर्स के खिलाफ पेरेंट्स का क्या कंप्लेंट्स है उसे लिखना है, और आप लोग यदि स्टोरी को पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो क्या बच्चों को करना चाहिए, क्या टीनेजर को करना चाहिए अपने कंप्लेंट को पूरा करने के लिए पेरेंट्स के, ओके okay? तो हम लोग यहाँ पर उसे मेंशन करना है। दे शुड हेल्प अराउंड इन द हाउस, हाउस में हेल्प करना चाहिए। दे शुड टेक इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज, अपने स्टडीज में इंटरेस्ट लेना चाहिए। दे शुड हैव गुड फ्रेंड्स, उनके अच्छे फ्रेंड्स होने चाहिए। थर्ड, स्टूडेंट्स यदि आप किसी और चैप्टर का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, आप लोग देख लीजिए। थ्री, दे शुड लिसन टू आवर एडवाइस, दे शुड नॉट वॉच टू मच टीवी, दे शुड नॉट एग्यूरेट माई टाइम। ये देखिए स्टूडेंट्स वर्कशीट 7, वर्कशीट 10, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हम लोग क्या नहीं करना चाहिए हॉस्पिटल में, एयरपोर्ट में, जन लोग रोड में ड्राइव करते समय, तो हम लोग लिखना है। देखिए हॉस्पिटल, देखिए एयरपोर्ट, वाइल ड्राइविंग ऑन अ रोड, पब्लिक लाइब्रेरी,
नेक्स्ट हम लोग वर्कशीट 11 देखेंगे। अब 11 वर्कशीट, शुड डू और मस्ट डू, शुड नॉट डू, मस्ट नॉट डू, एक ट्रेकिंग और कैंपिंग ट्रिप में। शुड नॉट, मस्ट नॉट डू, डू इट योर सेल्फ देखते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, पूरा मैं आपको एक ही साथ दिखा दे रहा हूँ। देख लीजिए, स्टूडेंट्स जो ठीक है आप लोगों को उसी में करना है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ मैंने आपको क्वेश्चन में पूरा सॉल्यूशन दे दिया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लोग लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आप प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोज़ को लाता था और इंग्लिश लिटरेचर एंड अदर सब्जेक्ट के वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।